शिवराज कैबिनेट में मंत्री बने राजेंद्र शुक्ला जब अमरपाटन पहुंचे तो भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने बड़ी ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी सभी का आभार जताया और कहा कि विंध्य के साथ पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राजेंद्र शुक्ला के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। विंध्य के प्रथम आगमन पर राजेंद्र शुक्ला का पूरे विंध्य में जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। राजेंद्र शुक्ला मैहर में मां शारदा के दर्शन करने के बाद अमरपाटन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र का विकास किया है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि 2018 के जैसे यहां पर बीजेपी ही जीत के आएगी। वहीं भाजपा कार्य समिति सदस्य विनीत पांडे ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला जन जन के नेता हैं, वो विकास पुरुष हैं। उनके यहाँ आने से कार्यकर्ताओं को नई प्रेरणा मिली है। जिस तरह से 2018 में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा आशीर्वाद विंध्य की जनता ने दिया है, उसी प्रकार से 2023 में भी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विंध्य क्षेत्र का विकास किया है। नहरें बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं, हवाई अड्डा हम बना रहे हैं, चौतरफा विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए विंध्य की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को 2023 में 18 की तरह ही मिलेगा। जन जन के नेता है, सर्वीण विकास उन्होंने किया पूरे जिले का, छोड़ दीजिए पूरे विंध्य का, और जनप्रिय नेता है, उनको विकास पुरुष कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।